हिमाचल गवर्नमेंट ने फिर से ई पास मैंडेटरी कर दिया। यहाँ कुछ इस तरह का मंजर है, मेरे को लग रहा है मेरे को एक मेरा नी पैड उतारना पड़ेगा। भागसुनाग टेंपल। सो राइड स्टार्ट नाउ। तो जा रहा हूँ आज मैं चंडीगढ़ टू मैकलॉडगंज। ये बड़ी कंफ्यूजन राइड रही मेरी। पहले मेरा प्रोग्राम था, एक सेकंड। सो हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल क्लब जीएसबी पर। और मैं बोल रहा हूँ जीएस बाबा। पहले जो मेरा राइड का प्रोग्राम था वो था राजस्थान का। तो इस साल मैं जाना नहीं चाह रहा था पहाड़ों में। मैं सोच रहा था कि राजस्थान की राइड करके आऊँगा, लेकिन मैं जहाँ पर जाना चाह रहा था राजस्थान, तो वो चंडीगढ़ से 700 किलोमीटर से ऊपर था। तो मेरे को लगा कि दो दिन मेरे को बहुत जाने पे लग जाएंगे, क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं, रात जल्दी हो जाती है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि वहाँ का प्लान कैंसिल करके जो नेक्स्ट राइड सोची, फिर मैंने सोचा कि मसूरी चलते हैं। मसूरी के आसपास कुछ एक्सप्लोर करेंगे, दो तीन दिन वहाँ पर स्पेंड करूँगा और वापस आ जाऊँगा, और फिर बाद में कोई लंबी राइड कर लूँगा फरवरी मार्च में। तो वो भी कैंसिल हो गई। वो कैंसिल कैसे होगी, वहाँ पर पता चला है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने PRTC की रिपोर्ट मैंडेटरी कर दी और ई पास तो आपका लगेगा ही लगेगा। तो मैंने सोचा कि अब मैं मौके पे, एक दिन पहले मेरे को ये पता चला, तो फिर मैंने सोच लिया कि अब मसूरी भी नहीं जाना। उसके बाद मैंने सोचा कि चलता हूँ मैकलॉडगंज। लेकिन मैकलॉडगंज के बारे में जब मैंने एक वीडियो देखा, तो भाई साहब ने मेरे को बताया, उस वीडियो में बताया गया कि हिमाचल गवर्नमेंट ने भी ई पास मैंडेटरी कर दिया। वो क्यों कर दिया, ओमी कोरोना की वजह से। तो फिर मैंने कईयों से पूछा भी और कई वीडियोस देखी, फिर मेरे को एक ही वीडियो मिली जिसमें ये बताया गया कि हिमाचल गवर्नमेंट ने फिर से ई पास मैंडेटरी कर दिया। उसके बाद मेरे को कोई भी किसी भी बड़े चैनल पे कोई वीडियो नहीं मिली। फिर मैंने एक दो बंदे से इसके बारे में पूछा, तो पता चला कि भाई ऐसी अभी कोई बात नहीं है, कोई नहीं रोका जा रहा किसी भी टूरिस्ट को, कोई ई पास नहीं मांगा जा रहा, तो आप आ सकते हैं, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन सेकंड इशू, मेरी बाइक में, मेरी बाइक की अभी तक RC नहीं आई। अप्रैल महीने में मैंने इसको ख़रीदा और आज दिसंबर हो गया, कम से कम 8 महीने हो गए, RC क्यों नहीं आई। अप्रैल के बाद लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बीच मेरी फाइल कहीं नीचे दब गई, वो नीचे दबने की प्रॉब्लम से RC नहीं गई, तो RC अभी आई नहीं है। और जब मैं इसका पोल्यूशन बनाने जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को यही बोल दिया जाता है कि भाई अभी आपका जो नंबर है वो ऑनलाइन शो नहीं होगा, तो पोल्यूशन तब तक नहीं बनेगा जब तक कि आपकी RC आ नहीं जाती और आपको वो मैसेज जनरेट करेंगे, तब जाके आपकी बाइक का नंबर ऑनलाइन शो होगा। तो ये सबसे बड़ी मेरे को दिक्कत अब यही है कि अगर किसी ने मेरे को रोका तो पोल्यूशन का चलान पक्का होगा। लेकिन भाई साहब को मैंने बोल दिया कि भाई कर देना काम, वो कह रहा है कि आज दोपहर तक मिल जाएगा। सोपर वाला जो करता है अच्छा करता है, जो होगा वो देखा जाएगा, वो होके ही रहेगा। तुम्हारा साहब एक बंदे अब मैं पहुँचने वाला हूँ अब नंदपुर साहिब, क्योंकि लास्ट मैंने जब राइड स्टार्ट की थी तो मैंने राइड वो भी आनंदपुर साहिब से ही ब्लॉक शुरू किया था। तो सामने है मेन गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा केसगढ़ साहिब। तो अब मैं जाऊंगा नहीं, लास्ट टाइम तो मैं मत्था टेक गया था गुरुद्वारा साहिब पहुंच के। तो इस बार मैं चाहता हूं मैं यहीं से बाबा जी को नमस्कार कर देता हूं। बाबा जी मेरी यात्रा, मेरी जर्नी को सफल बनाना और कामयाब बनाना। तो कट गया है मेरा रास्ता मुबारकपुर से मैकलॉडगंज के लिए। रेगुलर मैं चलता आ रहा हूँ, मेरे एक साइड में नी में पेन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ थोड़ी देर खड़के देख लूँ।
क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरे को एक मेरा नी पैड उतारना पड़ेगा, ये मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है इस टाइम। मेरी पीछे से इस टिप्स को थोड़ा लूज कर लेता हूँ। तो कहीं ढाबे पर रुक के करते हैं ब्रेकफास्ट, वापस आपको मिलेगा अपनी ग्रैंड एंट्री के साथ। तो चलो चलता हूँ थोड़ा और आगे, चिंतपूर्णी पहुँचने वाला हूँ तो मैं तो सीधा चले जाऊँगा, लेकिन ये रास्ते से 1.5 किलो 2 किलोमीटर साइड पे रह जाता है जो चिंतपूर्णी माता का टेंपल है। एंट्री कर चुका हूँ मैं तकरीबन पहाड़ों के बीच। हिमाचल में तो मैं एंटर किया काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हिमाचल में भी काफ़ी एरिया प्लेन में ही निकल जाता है। तो अब यहाँ से कोई मेरा 100 किलोमीटर का सफ़र रह गया मैकलॉडगंज का। आ गया हूँ मैं एक बार फिर एक नए ब्लॉग के साथ एक नई जर्नी पे। तो जर्नी तो आपको मेरे को पता चल गई है कि मैं जा रहा हूँ मैकलॉडगंज, और मैं पहुँच गया हूँ लगभग मैकलॉडगंज के आसपास। तो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर रह गया। तो मैं कहीं रुक के कुछ खाना चाहता था, टाइम निकलता गया, कहीं भी नहीं रुक पाया, ना मेरा ब्रेकफास्ट हो पाया ना मेरा लंच। अब जो होगा वो बीच का होगा या फिर लंच के भी बाद होगा। तो देख सकते हैं मैं इस टाइम कहाँ पर खड़ा हूँ। तो बिल्कुल मेरे पीछे धौलाधार रेंज, तो शायद आपको दिखाई दे रही होगी वो बिल्कुल बिल्कुल जो बाइट बाइट है स्नो पड़ी हुई है, वो सारी की सारी धौलाधार रेंज है। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये छोटी सी जगह है देहरा बगलामुखी, एक मंदिर आता है देवी माता का, तो वो क्रॉस करके है। तो कुछ यहाँ पे पहाड़ भी इस तरह के हैं बिल्कुल पत्थर के, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ खाने पीने की ठेलियाँ लगी है, तो इस तरह का यहाँ का सीन का नज़ारा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंद खिला रखा है लोगों ने। तो चलो मैं चलता हूँ आगे और पहुँचते हैं फटाफट से मैकलॉडगंज, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ, ताकि मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद कुछ वहाँ पे एक्सप्लोर कर लूँगा। तो चलो मिलते हैं मैकलॉडगंज पहुँच के। तो लो जी, यहाँ पे हो गया मेरा खाना पीना, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ हो गए, और अब मैं जाऊँगा यहाँ से आगे। भूख कुछ ज़्यादा नहीं थी क्योंकि रास्ते में एक जगह रुक के मैंने चाय पी ली, तो उसकी वजह से भूख मेरी अपसेट हो गई। और बिल्कुल अपने होटल के बाहर हूँ। कंडीशन में क्या है? कुछ ऐसी है, यहाँ कुछ इस तरह का मंजर है। जब ये फ्लड आया था ना लास्ट में भी जुलाई में आया था, तो वो सारे का सारा पानी यहाँ से निकला था, तो ऐसा हाल हो गया था सारा। तो उसी का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का।
तो मैं पहुंच गया हूं अपने रूम पे, अपने होटल पे। रूम मेरा छोटा सा है, इसमें टीवी वगैरह कुछ नहीं है, तो मेरे को टीवी देखने की इतनी अब आदत है भी नहीं। तो एक बार मैं आपको अपने रूम के बाहर का व्यू दिखाता हूं कैसा है। ये भागसूनाग टेम्पल के जस्ट ऊपर है, तो यहीं से ज़्यादा रास्ता जाता है भागसूनाग वाटरफॉल को भी। और जो अब मैंने पीछे दिखाया, जो लास्ट टाइम यहाँ पर फ्लड आया था तो मानसून के टाइम, तो उसका अपने पीछे देखा है कैसा मंजर था। वो सारे का सारा रास्ता बह गया था, उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वहाँ पे बाइक लेके या आप गाड़ी लेके नहीं आ सकते, यहाँ तक बाइक आपको नीचे खड़ी करनी पड़ेगी। नीचे ज़्यादा नीचे नहीं, जस्ट 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है पैदल का। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ अपने रूम के बाहर का व्यू, बड़ा अच्छा है। तो कुछ इस तरह से है, बोरा सामने, भागसूनाग टेम्पल। ये मेरी बालकनी के बाहर का नज़ारा।